खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसरावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, बीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। खरगोन पुलिस ने जिले में चल रहे अवैध हथियार निर्माण कारखानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 पिस्टलों के साथ ही निर्माण सामग्री बरामद की है। मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP धर्मवीर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना गोगावा के ग्राम सिगनूर एवं थाना भगवानपुरा के ग्राम धोलकोट के बाहर अलग अलग टीमों ने दबिश दी। यह दोनों गाँव अवैध हथियार मामलों में हमेशा सक्रिय रहे हैं। ग्राम धूलकोट व ग्राम सिगदूर में घेराबंदी की गई। ग्राम धूलकोट से कुल 33 अवैध हथियार तथा ग्राम सिगनूर से कुल 37 अवैध हथियार। इस प्रकार दोनों रेड पार्टियों द्वारा कुल 70 अवैध हथियारों को जब्त किया गया। पकड़े गए सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। गिरफ्तार आरोपी गणों के नाम है। थाना भगवानपुरा टीम द्वारा गिरफ्तार शेर सिंह पिता धर्म सिंह सिकलीगर उम्र 27 वर्ष निवासी धूलकोट, आजाद पिता छतर सिंह सिकलीगर उम्र 30 वर्ष निवासी धूलकोट, जगन पिता वीर सिंह सिकलीगर उम्र 35 वर्ष निवासी धूलकोट, नरेंद्र पिता अमर सिंह उर्फ अमरजीत सिंह सिकलीगर उम्र 20 वर्ष निवासी धूलकोट थाना गोगावा टीम द्वारा गिरफ्तार। गंगाराम पिता मंगल सिंह सिकलीगर उम्र 24 वर्ष निवासी सिगनूर, दिलीप पिता पदम सिंह सिकलीगर उम्र 58 वर्ष निवासी सिगनूर। गिरफ्तारी वारंट गोलू उर्फ मुड्डा पिता जल सिंह सिकलीगर उम्र 22 वर्ष निवासी सिगनूर, विजय पिता तूफान सिंह सिकलीगर उम्र 25 वर्ष निवासी सिगनूर, प्रदीप पिता भूम सिंह सिकलीगर उम्र 32 वर्ष निवासी सिगनूर। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। देखिए, खरगोन जिले में जो इलीगल आर्म्स का जो मैन्युफैक्चर होता है, इसकी ट्रैफिकिंग और ट्रेडिंग को लेके DGP साहब ने इस पर निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के पालन में IGP ग्रामीण इंदौर जोन श्री राकेश गुप्ता जी ने एक विशेष ऑपरेशन लॉन्च कराया था, जिसकी लगातार समीक्षा की जा रही थी। इस ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी खरगोन पुलिस को मिली है। ये इनपुट था कि जो इलीगल वेपन्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, उनका एक बड़ा कंसाइनमेंट थाना विस्तान क्षेत्र में और थाना गोगावा क्षेत्र में डिलीवरी के लिए जाने वाला है। क्योंकि जंगल का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया था, काफ़ी बड़ी टीमें इसमें डिप्लॉय की गई। दो टीमें इसमें लगाई गई थी। एक टीम का नेतृत्व श्री दीक्षित SDP बढ़वा कर रहे थे और दूसरी टीम का नेतृत्व SDP वीकनगांव के द्वारा किया जा रहा था। इन टीमों को जो इनपुट थे उसके आधार पर टोटल 9 आरोपी इसमें अरेस्ट हुए हैं। 9 आरोपियों के पजेशन से और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में उनके मेमोरेंडम के आधार पर टोटल 70 इलीगल फायर आर्म सीज हुए हैं। इसमें से 58 पिस्टल से और 12 इसमें कट्टे जब्त हुए हैं। इस प्रकार ये इलीगल फायर आर्म्स की जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग है उसके अगेंस्ट में एक बड़ा ऑपरेशन कार्रवाई हुई है। सभी 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इनके फर्दर जो लिंकेजेस हैं, कहाँ इनको ये ट्रैफिकिंग करके बेचते थे और कौन कौन इसमें फर्दर और कनेक्टेड है, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, हथियार ब्रांड के उपकरण वगैरह भी जब्त हुए हैं, इनकी फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। ये सारे वेपन्स कंट्री मेड है। ये लोकल के जो इक्विपमेंट है उनका उपयोग करके बनाते हैं। इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के आधार पर रेड करके 2 फैक्ट्री भी सामने आई है। इनके बनाने के औजार जो है, उपकरण, वो भी बड़ी संख्या में जब्त किए हैं। इस प्रकार ये ऑपरेशन प्रहार बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और इलीगल वेपन्स के अगेंस्ट में बड़ी कार्रवाई हुई। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।